अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस समी सेद फ्रॉम phonebully.com। यार टेक्नो स्पार्क 20 लॉन्च हो गया पाकिस्तानी मार्केट में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग कर ली जाए और इसके स्पेक्स पर बात कर लें। तो टेक्नो स्पार्क 20 जो है 37,000 के प्राइस टैग में लॉन्च हुआ है और उसके साथ साथ 8GB 256GB का एक ही वेरियंट से हमें ये देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में एक और गिव अवे होने वाला है एयरबड T2 का, जो कि सिर्फ एक एयरबड नहीं है बल्कि एक पावर बैंक है 1500mAh का। बहुत मजेदार सा ये एयरबड है, तो इस वीडियो में आपको मैं किसी भी टाइम बता दूंगा कि आप इस गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो चलें यार फटाफट से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। तो यार फ़ोन हमने कर लिया अनबॉक्स और आप देख सकते हैं कंटेंट हमारा, बॉक्स कंटेंट क्या क्या निकला है। तो फ़ोन निकला है ऑफिस की बात है, उसके साथ साथ चार्जर मिला है हम लोगों को, चार्जर में आपको आगे बताऊंगा कितने वोल्ट है, और उसके साथ टाइप सी केबल हो गई एंड सिलिकन पाउच हो गया। तो ये हमारा बॉक्स कंटेंट है, ऑब्वियसली पेपर वर्क था जो कि हमने नहीं देखा हमेशा की तरह। फर्स्ट लुक इंप्रेशन अगर मैं देखूं, बैक साइड तो बिल्कुल आईफोन लग रहा ही है और पिछले हमने जितने भी फ़ोन अनबॉक्स किए तकरीबन उन्हीं की तरह का ही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन जो है ना इसी स्टाइल में ही आने लग गए हैं, आईफोन वाले स्टाइल में ही इनफैक्ट काफ़ी सारे फ़ोन आ गए। तो इसीलिए तो ज़्यादा सरप्राइजिंग तो खैर नहीं था ये मेरे लिए। और हमारे पास साइबर वाइट कलर है ये, और बताता चलूँ उसके साथ साथ ये हल्का सा पिंकिश और ग्रीनिश शेड भी दे रहा है अगर आप इसको टिल्ट करके देखेंगे तो। अच्छा है, मज़ेदार सा कलर है इसका भी। फ्रंट की मैं अगर बात करूँ तो यार 6.6 इंचेस का डिस्प्ले दे दिया है विद 90Hz रिफ्रेश रेट, और उसके साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट हो गया, डुअल सिम स्लॉट हो गया, चार्जिंग जैक हो गया आपका, स्पीकर एंड हेडफोन जैक। तो ये हमारा बॉडी हो गई इसकी फ़ोन की। अब अगर हम इसके इंटरनल बात करें या फिर इंटीरियर की बात करें, सबसे पहले हमारे पास कैमरा आ जाता है। तो यार कैमरा इसका 50MP का दे दिया इन्होंने, डुअल कैमरा विद डुअल LED फ्लैश, और उसके साथ साथ फ्रंट कैमरा में दे दिया 32MP का। तो इस रेंज में 37,000 की रेंज में हम लोगों को ज़्यादातर फ़ोन जो है ना 50MP के ही कैमरे दे रहे हैं, या इससे हल्के फुल्के ऊपर नीचे दे रहे हैं, 48MP दे देगा कोई। 50MP यूँ समझे कि जनरल हो गया है इस रेंज में आजकल, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली हॉट 40 भी देखा था इन्फिनिक्स का, तो उसमें उन्होंने भी रेंज में उनके 41 या 40,000 की रेंज में शायद उन लोगों ने 50MP ही कैमरा दिया है। तो ये भी उसी कैटेगरी का फोन है, तो 50MP कैमरा 37,000 के हिसाब से ठीक है बिल्कुल। और एट प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो MediaTek G85 दे दिया हमें, प्रोसेसर में ऑलरेडी बॉक्स पे मेंशन भी हुआ है, और उसके साथ गेमिंग वगैरह भी हो जाएगी इजीली। और एट कलर वेरिएशन की बात कर लें तो यार इसकी चार वैरायटीज़ हैं कलर की, जिसमें से एक हमारे पास ये साइबर वाइट हो गया, उसके साथ साथ हमारे पास एक नियॉन गोल्ड हो गया, एक ग्रेविटी ब्लैक हो गया, और एक है हमारे पास मैजिक स्किन जो कि नेक्स्ट टू ब्लू है। तो ये चार हमारे पास कलर हैं, और वही अगेन यार इतने मुश्किल मुश्किल नाम कौन रखता है, मुझे तो आज तक याद नहीं होंगे, मतलब मुझे तो कभी याद नहीं होंगे ऐसे नाम। खैर गिव अवे की बात कर लेते हैं, तो यार गिव अवे आपको इस तरीके से मिलेगा, अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इन चारों कलर में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, हम रैंडमली किसी को भी गिव अवे कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द बैटरी, तो यार 5000mAh की इन्होंने बैटरी दे दी हम लोग को टेक्नो स्पार्क 20 में, और उसके साथ साथ 18W का चार्जर दिया है। तो यहाँ मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि यार कम से कम 18W से थोड़ा ज़्यादा चार्जर होना चाहिए था, यहाँ टेक्नो ने हमें नाराज़ किया है। जो मैं यही सोच रहा था इसी बारे में बोलने का कि यार 18W तो कुछ भी नहीं है आजकल के ज़माने में, जाहिर सी बात है दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा था इन्फिनिक्स हॉट 40 में उन्होंने 33W का चार्जर दिया था, यहाँ एटलीस्ट 18 नहीं तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए था चार्जर। खैर एनीवेज अगर ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन अच्छा है, वैल्यू टू मनी भी है, और कैमरा वाइज भी अच्छा लगा मुझे, बाकी प्रोसेसर भी इन्होंने MediaTek G85 दे दिया है, तो ठीक है ओवरऑल तो फ़ोन अच्छा है, बुरा नहीं है। तो यार ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेक्नो स्पार्क 20 की अनबॉक्सिंग भी हमने कर दी है, बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम लोग एक आध फोन की कंपैरिजन भी लेकर आने वाले हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन से कंपैरिजन का बहुत बेसब्री से इंतजार है, इंशाल्लाह ज़रूर उस पर हम वीडियो करने वाले हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।